हाँ हाँ रुशना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा फोन तो रखो ताकि मैं तैयार तो हो जाऊँ, बस पहुँच रही हूँ। ज़ायदा आपा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वरिदा बेटी, आपका दुपट्टा जल गया मुझसे। जल गया? हाय अल्लाह, अब मैं क्या पहनकर जाऊंगी? व्हाइट कपड़ों की थीम थी मेरी। भाभी से पूछती हूँ, उनके पास होगा कोई। अरे वाह भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और ये जोड़ा, कितना प्यारा जोड़ा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, है ना? फहम की चॉइस है, कल रात को ही दिलाया है फहम ने। फहम भाई की तो क्या ही बात है, मेरी सारी फ्रेंड्स को उनकी पसंद बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारी फ्रेंड्स क्यों उनकी तारीफ करती थी? वो फहम भाई मेरे लिए ज्वेलरी ड्रेसेस वगैरह लाते हैं ना, इसलिए। फ्रिदा, तुम अभी तक ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? तुमने रेडी नहीं होना, रुशना की शादी पे नहीं जाना, हम लोग तो डिनर पे जा रहे हैं। भाभी यही तो बताने के लिए थी, देखिए ज़ायदा ने पूरा दुपट्टा जला दिया मेरा। आपसे पूछने के लिए आई थी कि आपके पास इसकी मैचिंग का कोई दुपट्टा होगा, इससे मिलता जुलता। जरूर होगा, तुम जाओ ना वार्डरोब में देखो जाके, तुम्हें मिल जाएगा। मैं? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं रिदा, जाओ देख लो। जी थैंक यू भाभी। भाभी वहाँ अंदर तो सारे नए कपड़े पड़े हुए हैं, वो कपड़े कहाँ हैं जो आपको बरी में दिए थे मामा ने? उसमें एक दुपट्टा ऐसे मिलता जुलता था ना। रिदा एक्चुअली वो मुझे पसंद नहीं आए थे, इसलिए मैंने पैक करके ऊपर रख दिए। पसंद नहीं आए? हमने तो बहुत शौक से दिए थे आपको। हाँ तो इतने ही शौक से बनवाए थे तो एक काम करो ना, तुम अपनी शादी के लिए रख लो। मैंने एक जोड़ा भी यूज नहीं किया, बहुत एहतियात से रखे। मैं ही तुम्हें दुपट्टा ला देती हूँ। भाभी रहने दें, मैं अपने ही कोई जोड़ा पहन के चली जाऊंगी।